नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक जैन, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट NHMMI हॉस्पिटल रायपुर से आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ डिस्कस करने के लिए फैटी लिवर के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ हैं, घर पे हैं, अपने बुज़ुर्गों और बच्चों का विशेषकर ध्यान रख रहे हैं इस कोरोना महामारी के दौरान। तो फैटी लिवर के बारे में हम डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्य बिंदु क्या होंगे डिस्कशन के, आज के टॉपिक के। तो पहला तो मैं आपको लिवर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, फिर फैटी लिवर क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, इसे डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और हम बचाव के लिए इसे क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि लिवर के बारे में जानते हैं आप, लिवर बॉडी का एक मेन ऑर्गन है। बॉडी में एक ही लिवर होता है। इसका काम होता है बहुत सारी प्रोटीन्स बनाना, शरीर की जो गंदगियां हैं उसको साफ करना, फैट मेटाबॉलिज्म मतलब उसको पचाने में, भोजन को पचाने में मदद करना और अनेक प्रकार के इसके उपयोग होते हैं। अगर हम बात करें फैटी लिवर की, तो फैटी लिवर आज के दशक में अब देखा जा रहा है कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और एक डेटा के मुताबिक 10-30% लोगों में फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है। तो और ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज या इंडिया में भी अब शहरों में ये बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इंडियन डेटा के हिसाब से अप टू 30% लोगों में जो शहरी आबादी है उसमें फैटी लिवर पाया जाता है। तो कहूँगा ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और ये आगे चल के लिवर को नुकसान कर सकती है, लिवर फेल कर सकती है, लिवर कैंसर का कारण बन सकती है। तो इसके बचाव के कारण हमें अपनाने चाहिए, इससे बचना चाहिए, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो फैटी लिवर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें लिवर में अनावश्यक मात्रा या अधिक मात्रा में फैट का डिपॉजिशन होता है। इसे हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ग्रेडिंग कर सकते हैं डिपेंडिंग की फैट का वहां लिवर में कितना प्रेजेंस है। फैटी लिवर के कारण की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दशकों में मोटापा बहुत बढ़ता जा रहा है, डायबिटीज की समस्या बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इवन बच्चों में भी हम देख रहे हैं कि मोटापे का स्तर काफ़ी बढ़ता जा रहा है और इसके साथ साथ अल्कोहल का सेवन भी बढ़ता जा रहा है। तो मोटापा और अल्कोहल दो मुख्य कारण हैं फैटी लिवर के। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो ये फैटी लिवर शुरुआती समय में तो जो रेगुलर शराब का सेवन करते हैं उनमें 90% तक लोगों में फैटी लिवर पाया जाता है और अगर इस स्टेज में हम शराब को छोड़ सकें, इससे बचाव कर सकें तो ये डिजीज़ रिवर्सिबल है। लेकिन अगर हम इससे बचाव नहीं करते हैं तो ये आगे चल के लिवर फेलियर, लिवर कैंसर का कारण बन सकती है। साथ ही साथ मैंने दूसरा कारण जैसे बोला आपको, मोटापा। तो मोटापा अब बच्चों से लेकर बड़ों, हर एज ग्रुप में ये कॉमनली देखा जा रहा है और ये लगातार निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही साथ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस अब बढ़ती जा रही हैं जो एक मुख्य कारण है फैटी लिवर होने का। तो ये सब डिजीज़ को कंट्रोल करना और साथ ही साथ अपने लिवर का ध्यान रखना, इससे बचने का ज़रूरी उपाय है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इनिशियल स्टेजेस में यूजुअली सिम्टम्स नहीं होते हैं। कभी आप रूटीन चेकअप के दौरान रूटीन ब्लड टेस्ट लिवर के लिए LFT करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, तो कई बार ये उसमें ही डायग्नोसिस किया जाता है कि शुरुआती समय में आपको लक्षण नहीं आते हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो आपको लक्षण आने लगते हैं, जैसे कि पेट के ऊपरी हिस्से में, राइट साइड में हल्का दर्द होना, अगर डिजीज़ और बढ़ती है तो पीलिया आना, उल्टी होना, भूख ना लगना, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। अगर ये चल के बढ़ के अगर लीवर फेलियर का कारण बनता है तो फिर आपको पेट में पानी आना, खून की उल्टी होना, बेहोशी आना, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं और आगे चल के जैसे मैंने कहा कैंसर का कारण भी बन सकती है। तो हमने सिम्टम्स की बात करी। डायग्नोसिस के लिए ईजिली एक सोनोग्राफी, रूटीन सोनोग्राफी जो कि OPD बेसिस पे ईजिली किया जा सकता है, उससे
इसे पता लगाया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं, जैसे कि LFT, उसमें ये चीज़ें उभर कर आती हैं। जब हम फैटी लिवर की बात करते हैं तो उसमें ज़रूरी ये भी है कि हम कुछ और लिवर डिजीज़ के कारण की भी पहचान कर लें, जैसे कोई वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ तो नहीं है। तो ये सब भी टेस्ट के माध्यम से, ब्लड टेस्ट के माध्यम से किया जा सकता है। कई बार फैटी लिवर की प्रमाण क्या है, उसकी सीवियरिटी क्या है, ये जानने के लिए एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट जैसे कि फाइब्रोस्कैन, जो कि एक सोनोग्राफी जैसा ही टेस्ट है, उसके माध्यम से थोड़ा और एक्यूरेटली हम इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि उसकी सीवियरिटी क्या है। कभी कभार हमें लिवर बायोप्सी की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें हम सोनोग्राफी के माध्यम से लिवर का एक छोटा टुकड़ा निकाल करके चेक करते हैं, माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं कि उसकी सीवियरिटी क्या है, कोई और कारण तो लिवर डिजीज़ का नहीं है। तो डायग्नोसिस के बाद हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट की बात अगर करते हैं तो जैसे हमने दो मुख्य कारण डिस्कस किए, तो शराब अगर कारण है तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि शराब का सेवन को हम रोकें। अगर हम शराब से नहीं बचते हैं तो कहीं ना कहीं ये बीमारी आगे चढ़ के बढ़ेगी और विकराल रूप लेगी। तो शराब का सेवन से हमें बचना है। अगर आप में मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर ये सब चीज़ें हैं तो शुगर का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, मोटापे का कंट्रोल ज़रूरी है, जिसके लिए आपको वेट रिड्यूस करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। तो इसमें एक्सरसाइज की बड़ी भूमिका है। एक्सरसाइज की हम बात करें तो हमारे एडवाइस हमेशा हर पेशेंट को ये होती है, एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिसमें कि जॉगिंग है, स्विमिंग है, रनिंग है, ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए जिससे कि आप अपनी बॉडी के कैलोरीज को बर्न कर सकें, फैट को बर्न कर सकें और वेट लॉस कर सकें। साथ ही साथ डाइट बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको डाइट में फैट की चीज़ें कम लेनी है, जिसमें कि आमतौर पर तेल, घी, इन सब का सेवन कम करना है। आपको अपने डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये बढ़ाना है, ठीक। कैलोरी इनटेक को लिमिट करना है, प्रोटीन इनटेक को बढ़ाना है, ये बहुत ज़रूरी है आपको डाइट में अपने चेंजेस करने के लिए। तो अगर फैटी लिवर की हम बात करते हैं, जो कि मोटापे से होता है, तो उसमें सबसे बड़ा उपयोगी चीज़ जो ट्रीटमेंट में है वो वेट रिडक्शन है और एक्सरसाइज है। अगर आप ये करते हैं तभी इसके साथ सपोर्टिव मेडिसिंस हम दी जाती हैं जो कि हेल्प करती हैं, लेकिन एक्सरसाइज और वेट रिडक्शन को भुलाया नहीं जा सकता है। साथ में जैसे मैंने बोला, कुछ मेडिसिंस दी जाती हैं जो कि आपकी इस चीज़ में हेल्प करती हैं, और शुगर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल ये बहुत ही आवश्यक है। कई बार लोगों में दोनों कारण भी हो सकते हैं, मोटापा भी है और अल्कोहल का सेवन भी है, तो दोनों ही कारणों का आपको बचाव करना है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो फिर वही चीज़ सामने आती है कि आप शराब के सेवन से बचें, आप रेगुलर अपनी बॉडी को फिट रखें, एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डाइट लें, जब भी ज़रूरी हो डॉक्टरी सलाह लें। जितनी हम जल्दी बीमारी को पकड़ पाते हैं उतना ही बेटर रिजल्ट्स आते हैं हमको। एक बार बीमारी बढ़ जाती है, लिवर फेलियर के साइन आने लगते हैं, तो फिर बीमारी की रोकथाम उतनी ही मुश्किल हो जाती है, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या प्रोग्नोसिस है वो उतनी ही ख़राब हो जाती है बीमारी में। तो हमारी सलाह यही होती है कि आप शुरुआती लक्षण को पहचानें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने वेट को कंट्रोल रखें, अगर आपको शुगर, बीपी ये सब की प्रॉब्लम है तो उसे प्रॉपर कंट्रोल में रखें, और बीमारी को बढ़ने से पहले ही इसकी रोकथाम करें। अंत में यही कहना चाहूँगा कि फैटी लिवर के बारे में मैं आपको एक बेसिक जानकारी मैंने दी है, अगर आप में कोई भी लक्षण या कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उसे सलाह कर सकते हैं। इस कोरोना काल में इवन वीडियो कंसल्टेशन के द्वारा आप सलाह ले सकते हैं, ठीक है, और अपने परिवार की सुरक्षा में अहम रोल निभा सकते हैं। धन्यवाद।